हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेनिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है सक्सेस जो है वो ओवरनाइट कभी भी नहीं मिलती उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सवा नौ बजे से लेकर के साढ़े तीन बजे तक लाइव मार्केट में रहते हैं मैं उनके साथ रहता हूँ उनको सपोर्ट करता हूँ एंड सीखने के बाद आपको फिर वो अगेन रिपीट करते हैं जो नए स्टूडेंट है उनकी हेल्प करते हैं मीन हम एज ए फैमिली है तब जाकर के ग्रोथ मिलती है मार्केट में ट्रेड करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती एंड कोल टिप्स से किसी का भला नहीं हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेहनत करनी पड़ेगी एंड आप हमें क्यों ज्वाइन करें मैं किसी को कभी भी ज्वाइन करने के लिए नहीं बोलता मैं हमेशा ये बोलता हूँ आप हमें इसलिए ज्वाइन करें कि आपको एज ए स्कूल की फीलिंग आएगी आपको टाइम मिलेगा सीखने के लिए ऐसा नहीं कि कोई दे, दे देंगे प्योर प्राइस एक्शन सीखने को मिलेगा एनालिसिस सीखने को मिलेगा और आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप प्रैक्टिस करेंगे मेहनत करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है और आप सीरियस लर्नर हैं मीन्स आप सीरियसली सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट तो आप आइए उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं हर दो महीने में हम एक बार बैच करते हैं बार बार नहीं करते हैं और लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही लेते हैं तो आप एज ए हार्ड वर्किंग है और आपको टाइम आपके पास है कि आप टाइम देना चाहें शॉर्टकट नहीं चाहते तो आप आइए आप डेफिनेटली यहाँ से अच्छी एजुकेशन लेंगे अच्छा प्राइसेस विदाउट एनी इंडिकेटर्स, इंडिकेटर से कभी कुछ नहीं होता चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं निफ्टी का भी लाइव एनालिसिस करेंगे आपको मैं दो चीजें बताऊंगा इंपॉर्टेंट पहली चीज ये है कि जब भी हम स्विंग स्ट्रेडिंग करें आज मैं इवनिंग की जब हम डिमांड सप्लाई वाली क्लास करेंगे तो उसके अंदर इन डिटेल बताऊंगा जब भी हम स्विंग ट्रेडिंग करें तो स्विंग ट्रेडिंग का जो भी स्टॉक हम बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं फ्यूचर में उसके साथ हमेशा देखना होता है कि सेक्टर का सपोर्ट है या नहीं है निफ्टी 50 के स्टॉक्स में अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो और निफ्टी पता लगे लाइफ टाइम हाई के ऊपर है या फिर सप्लाई में गिर रहा है उस कंडीशन में जिस भी स्टॉक्स में हम स्विंग ट्रेडिंग की पोजिशन बनाएंगे हायर चांसेस है कि वो आपको प्रॉफिटेबल ना रहे ठीक है ये इंपॉर्टेंट चीज है इवनिंग में डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे ये वाली बात इन डिटेल हम बात करें जब सेक्टर की बात आती है तो देखना जरूरी होता है कि सेक्टर का सपोर्ट है या नहीं जिस भी स्क्रिप्ट में हम ट्रेड कर रहे हैं ओके हम निफ्टी क्या है निफ्टी को अगर देखोगे आप डेली चार्ट पे देखोगे तो मैंने जो बताया था कि अगले एक दो दिन कुछ बड़ा होने वाला है एंड कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे ठीक okay. है तो प्राइस क्या हुआ है कि प्राइस जो एक बार मैं सब कुछ यहां पे डिलीट कर देता हूं प्राइस ने किया क्या कि ये जो रेंज में इतनी रेंज के नीचे कल क्लोजिंग दे दी क्या दे दी कल क्लोजिंग दे दी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर क्या था स्ट्रक्चर आपका ये पॉजिटिव है क्लियर है ये वाली बात तो कह जा रहे हैं सभी को यस सर क्लियर है सर स्ट्रक्चर so, तो स्ट्रक्चर तो अभी भी नेगेटिव नहीं हुआ स्ट्रक्चर तो अभी भी नेगेटिव नहीं हुआ स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है बट इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां पे ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या ब्रेकडाउन होगा ये इंपॉर्टेंट है तो डेली चार्ट पे अगर थोड़ा सा भी अगर ध्यान से आप देखोगे ना तो ये ये एक पॉइंट है एंड ये एक पॉइंट है ये वाला जिस पॉइंट को अगर हम कनेक्ट करें, करेंगे इधर से इसको छोड़ देंगे तो एक ये कौन सा फॉर्मेशन है एक राइजिंग वेज फॉर्मेशन है है क्लियर डेली में ये वाला चार्ट में सब कुछ अनफेयर होता है फेयर बनाना पड़ता है अब इंपॉर्टेंट क्या है इंपॉर्टेंट ये है कि प्राइस ने जो ये वाला रेंज है हाइएस्ट क्लोजिंग इसके ऊपर प्राइस ने दो दिन जाने की कोशिश करी बट गया नहीं तो ये एरिया आपके लिए क्या हो गया

इस चीज को 125 मिनट में में, और अच्छे से से समझेंगे। आपको ध्यान पे दिख रहा रहा होगा तो वो ये चीज़ है। है। इसमें एक अच्छा फॉर्मेशन हो क्या के ऊपर के ऊपर जब -जब, फॉर्मेशन होता है। से जब प्राइस का टॉप होता, होता है तो मार्केट नॉर्मली 90 डिग्री से मूव करता है नीचे की साइड वन वे जैसे अभी ये कैनल बन रही है ना, कैनल बनी, उस तरीके से आपका करता है

नहीं तो इसके ऊपर क्लोज होता ही ट्रेंड कंटिन्यू है बट जिस तरीके से स्ट्रक्चर है इसको हमेशा ध्यान में रखना है क्योंकि राइजिंग वे जब जब टॉप पे बनता है तो प्राइस जो है अच्छा खासा गिरता है वो आज होगा कल होगा परसों होगा ये प्राइस एक्शन होने देने के बाद हमें पता चल जाएगा ठीक है समझ में आया सभी को तो थोड़ा सा अल्लाह ट्रेन ठीक है ट्रेंड टॉप के ऊपर टॉप के ऊपर मार्केट हमेशा झटके देता है और बड़े बड़े देता है सब लोगों को फिर डर लगता है कि अरे स्विंग स्ट्रेडिंग पोजिशन बनाई थी मार्केट पैसे चले चलेगी नीचे आ आगे वो फिर आपको बॉटम पे अगेन बाई करने की अपॉर्चुनिटी है बट सेक्टर का सपोर्ट इंडेक्स टॉप पे है तो स्विंग को हमेशा जब आपका डेली या वीकली के अंदर जब बॉटम पे इंडेक्स भी ठीक है तो आपका सब कुछ हरा हरा ही दिखेगा थोड़े दिन के लिए तो आप जिस भी स्क्रिप्ट में स्विंग अगर रिटर्न नहीं भी देने वाली है तो वो नॉर्मल रह जाएगा वो ज्यादा नहीं भागेगा और अच्छे स्टॉक्स में ले लिया जोन वाले में ले लिया तो वो भाग जाएगा और यही अगर नेगेटिव ट्रेंड है शॉर्ट टर्म में इंडेक्स का और आप स्टॉक्स में बाई कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपको पैसा नहीं बनेगा हो सकता आपको अच्छी स्क्रिप्ट हो तो भी हो सकता है आपको उसमें लॉस हो कुछ कुछ स्क्रिप्ट अच्छे जोन में होती है नेगेटिव ट्रेंड के बाद भी ऊपर जाती है वो इंडेक्स सेक्टर के सपोर्ट के बाद होता है क्लियर ये है वाली बात